फिजिक्स दिस इज माय लेक्चर। और इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो लेक्चर नंबर 1 था, वो भी चैप्टर नंबर फिजिक्स से इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन था। सवाल की तरह दोबारा रिपीट कर दूं, फाइंड फिजिक्स हाउ इट इंटरैक्ट्स विद द माइंड ऑफ द कोर, और इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था और आपको ये भी बताया था कि जो लेक्चर हमारा वो आप उसपे आप एक कोई पोर्शन हमारे के लेक्चर वाइज की पॉइंट्स आपको करेंगे। और जब आपकी फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो आप जानेंगे क्या है ये, जिसकी बेस पर आप ये तय करेंगे कि आप स्टार्ट करते हैं कैसी है। अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं है तो इसका मतलब आप लेक्चर को बहुत से इसकी वजह से आप अपनी कारकर्दगी जो है मुतासर हो सकती है। लिहाजा आज का भी जो लेक्चर है वो लेक्चर और इसमें आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सवाल है आज तक की राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, यानी कि पहला सवाल जो था इस चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स हाउ मेनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिफाइन ऑन उसने मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि मैं अपने बाप को फिजिक्स की डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स बेसिकली क्या मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है, और इसके ऊपर मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास जो बैटरी होगी मोबाइल में वो आपके पास मैटर की सूरत में देखते हैं जैसे कि आप सामने होते हैं तो आप उसे
और ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अच्छी सी एग्जांपल है। दूसरा आप ये देख लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ सॉरी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को प्ले सरफेस को रेगुलर रिफ्लेक्शन इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारी जमीन। अगर आप जमीन को देखें तो अल्लाह पाक ने जमीन को जो है वो ऐसा बनाया है कि कहीं पर जो है पहाड़ है, कहीं में मैदान है, कहीं जमीन के अंदर गहराइयां हैं। तो इसका मतलब है कि जमीन की जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, वो इररेगुलर है, यानी कि रफ सरफेस है। तो जब सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो इससे असर भी होता है कि सूरज है वो ऐसी जगहों पर भी चली जाती है जहाँ यानी जिस एंगल से लाइट आती है उस एंगल से वो वापस नहीं जाती। तो इसे हम लाइट का कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पेपर में सवाल ये भी आता है कि लाइट का इंपॉर्टेंस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन, तो बच्चे जो उनको समझ में आता है वो बड़ी आसानी से लिख देते हैं कि सर वो इलाके जिनमें लाइट जो है ना कलर की नहीं जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाए हुए सिस्टम की मदद से कि लाइट में अल्लाह ने क्वालिटी रखी है कि जब ये रफ सरफेस से गुजरती है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इस की बदौलत ये होता है कि लाइट दिन के वक्त ऐसे आराम से चली जाती है जहाँ पे आप ऊपर लाइट नहीं पहुँच सकते, अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन का जबरदस्त एडवांटेज है, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये भी अपने की पॉइंट्स में आप भी सब लिखिएगा, मैं सारे पॉइंट्स नोट करूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय से ही रिलेटेड है। तो पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छी तरह डिस्कस कर दिया, इन्होंने फिर हमें बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसके लिए आपका मीडियम का समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक होता है हल्का मीडियम, लाइट मीडियम। ये जो हवा है, एयर है, ये लाइट मीडियम है। पार्टिकल्स हैं ये भी आप देख सकते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एयर में, इसलिए इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक मीडियम जो है एयर का वो एक लाइट मीडियम है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप वाटर का या लिक्विड का मीडियम देखें तो इसमें टेंसर होता है जिसमें मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी होती है, इसमें सॉलिड को भी थोड़ी कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि जिस बर्तन में इस लिक्विड को डालें उसकी शेप ध्यान कर लेता है। तो लिक्विड में वाटर आप ले लें, वाटर एक अलग मीडियम है, इसका मतलब है कि वाटर थोड़ा डेंसर मीडियम हो गया और एयर जो है थोड़ा एक लाइट मीडियम हो गया। से आती है एयर से होती है कि लोगों स्पेस से
ऐसे रेनबो तो डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, इसे आप रेनबो कहते हैं। रेनबो के बारे में प्रॉपर जो हमें बताया वो हमें एक लेसन नहीं बताया, बड़ी इन्वेंशन है। मतलब इससे पहले लोग समझते थे आसमान में कलर नजर आ रहे हैं कुछ तो होते थे, लेकिन उसका रीजन नहीं पता था क्यों हो रहा है, उसे आप रेनबो कहते हैं। जिस लाइट की सफेद रोशनी में जो कलर होते हैं, ये भी हमने लेसन में बताया, वरना आपको सूरज की सफेद रोशनी समझने के लिए लाइट है जो नेचर ऑफ लाइट है, जो उन्होंने हमें लेसन में बताया कि ये लाइट जो होती है सफेद लाइट बेसिकली सेवन कलर से मिलकर बनी हुई होती है। तो आपको एक और डेफिनेशन मिल गई कि व्हाट इज रेनबो। आप इसका भी की पॉइंट आप उस पे लिख सकते हैं, छोटा छोटा ज्यादा मुझे ब्रीफ नहीं चाहिए, ज्यादा प्रॉपर तो आप इंशाल्लाह चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में पढ़ेंगे जो लाइट पे बताया था, हमारे पास चैप्टर है। अभी इंटरनल एक्शन के हवाले से मैं आपको समझा दूंगी इन्होंने जो हमें बताया वो क्या क्या बताया। उसके बाद इन्होंने हमें जब ये बताया नेचर ऑफ लाइट, इसकी ये भी बात बताई कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं कि लाइट वहाँ पे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पे, ये भी हमें जो है ना बताया। फिर उन्होंने एक और बात हमें बताई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी इंसान इतना मुमकिन पता नहीं था कि लाइट अपने अंदर एनर्जी भी रखती है। सूरज की रोशनी है, जाहिर है जब सूरज की रोशनी आती है तो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही अपने फूड को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो सनलाइट होती है उनमें कोई एनर्जी है, तो प्लांट वो एनर्जी सूरज की लाइट एनर्जी अपने अंदर अपनी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, और जाहिर है वो प्लांट एक तनावर जनक बन जाता है। आगे चलते तो आप इसको कह सकते हैं कि एनर्जी जो है एक लाइट से दूसरी लाइट में जब कोई ट्रांसफर होती है इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये डिफाइन किया था। तो इन्होंने हमें लाइट के बारे में देखिए कितनी सारी बातें बताई। फिर इन्होंने एक जबरदस्त किताब लिखी है लाइट के बारे में जिसका नाम है किताबुल मनासिब। ये किताब आप बिल्कुल याद रखें क्योंकि अगर पेपर में सवाल ही आ जाता है कि सिर्फ इनका एक वन कंट्रीब्यूशन लिखते हैं फिजिक्स में इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, तो आप सिर्फ अगर इतना भी लिख देंगे कि इनकी रूट बुक किताबुल मनासिब व्हिच इज अबाउट ऑप्टिक्स, बस आप इतना लिख देंगे तो आपको जो है ना वो जो उसने कहा था कि आप एक नंबर आ रहा हमें एक पॉइंट बताइए आप हो जाएगा उसमें इंशाल्लाह आपको पूरी मिल जाएगी, लेकिन हमें तो उसको समझना भी है ना। अब इस साल को तो उसमें किताबें बना चुके तो उसमें ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है, अभी आपका की पॉइंट हो गया। ऑप्टिक्स में आपने बताना है कि ऑप्टिक्स में वो वाले सवाल वो वाले हालात आते हैं या वो चीजें आती है तो देखने से रिलेटेड ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पर आंख है, आई से अल्लाह ताला की नेमत है, बड़ी नेमत है, तो आई जो है उसको ऑप्टिक्स में आएगा। तो इन्होंने आईज के ऊपर ऐसी ऐसी मालूमात हमें फराहम की है जिसमें हमें आईज की डिफेक्ट्स होते हैं आईज के और उसकी करेक्शन उन्होंने हमें बताया। इससे पहले दुनिया में आपको लोगों की आंखें खराब होती होगी तो इतना बहरहाल की वो आंखों के बारे में ज्यादा तहकीक करते। इब्नुल हैशम की बदौलत ये हुआ कि जो आंखों के जो कुछ बीमारियां होंगी जिसमें आंख बीमारी है लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, तो इनके दोनों बीमारी के बारे में उनका इलाज उन्होंने बताया। लॉन्ग साइटनेस उसे कहते हैं दूर की नजर इंसान की कमजोर होती है और उसको सही करने के लिए कौन सा लेंस लगता है, किस तरह लगता है, ये सब हमें इब्नुल हैशम ने बताया। और आज आपको साफ और इसके ऊपर क्लिनिक्स खुले हैं आपके जिसमें सारे बीमारियों के इलाज हो रहा है। इसमें एक शॉर्ट साइटनेस आता है जिसमें करीब की नजर कमजोर होती है, उसके ऊपर हम कौन सा लेंस रखते हैं, इस डिफेक्ट को हम कैसे सही करते हैं, ये सब हमें इब्नुल हैशम ने बताया। तो कितना जबरदस्त किरदार है इब्नुल हैशम का हमारे इस फील्ड ऑफ साइंस में, और वो भी लाइट के हवाले से। लाइट के हवाले से इब्नुल हैशम का जबरदस्त किरदार है। तो ये सारी बातें आपके की पॉइंट्स में जमा हो जानी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक पिनहोल कैमरा भी बताया था, ये इन्वेंटेड पिनहोल कैमरा। अगर आप उससे पूछेंगे कि सर अगर हमें कोई एक पॉइंट देता है कि आप इब्नुल हैशम के बारे में आप एक कोई पॉइंट बता दें, एक नंबर का सवाल खाली एक पॉइंट लिखना है, तो आपने वही वाला पॉइंट लिखना है कि ही रोट अ बुक किताबुल मनासिब व्हिच इज अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंट जबरदस्त है, अगर ये याद नहीं है तो फिर दूसरी सूरत में आप कह सकते हैं ये इन्वेंटेड अ पिनहोल कैमरा, ये गेव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये गलत बात है। लेकिन अच्छा पॉइंट वही होगा जो मैंने आपको बताया किताबुल मनासिब। ये आपको तकरीबन हर साइंटिस्ट की जो बुक होती है उसको जरूर आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आज हम और डिस्कस करेंगे बैरूनी के बारे में, अल बैरूनी ने जो हमने बताया है उनकी किताब है कानूनी मसलों, इनका भी किरदार रहा है। उन्होंने किसको बताया कानूनी मसलों में, उन्होंने ये बताया कि जो मोशन ऑफ द अर्थ है और ये जो मोशन ऑफ द मून है, मोशन ऑफ द सन है, ये किस तरह से होती है, इसके क्या मामलात हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, सूरज के गिर्द जमीन जो है 365 डेज में अपना जो एक चक्कर है कंप्लीट करती है जिसके नतीजे में वेदर मौसम बनते हैं, और जमीन जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और वो जो रोटेट करती है जो 24 आवर्स में ही काम होता है, और इससे
क्वेश्चन के बारे में लोग की अर्थ इस ये सारी मालूमात हमें जो दी है वो इंटरप्रेटिंग है जिसके ज्यादा अच्छा हम पढ़ते जाते हैं सुन्नत कुरान की मतलब बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें बस फरमा चुके हैं इन दफी तो इस समय बात खिलाफ ड्रेन तहारी लाया के लोग बाप के दिन और रात के आने जाने में निशानियां हैं तलवारों के लिए सभी और आसमान सब हमें अल्लाह बता चुका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा चुके हैं सारा इसमें मामला ये होता है कि साइंटिस्ट ने इन्हीं आयात का फायदा उठाते हुए जबरदस्त जो है ना वो किताबें लिख दी है और वो आज माशाल्लाह उससे फायदा उठा रहे हैं तो अल जन्नी की जो किताब है कि कानून मसूदी इस मामले में बड़ी जबरदस्त है कि ये वो ना बुक कानून मसूदी व्हिच इज अबाउट द पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड द मून एंड द सन तो ये अगर आप इतना भी कानून मसूदी के बारे में लिखते हैं अगर जन्नी की किताब लिखिए आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह तो आज का जो लेक्चर है हमारा कोई साइंटिस्ट के बारे में कि फील्ड ऑफ फिजिक्स में उन्होंने क्या क्या करना में अंजाम दिया तो मैंने जो आपको आज बताया है वो ये दो ही बातें दो साइंटिस्ट के बारे में आज बता रहा हूँ इन्हीं दोनों के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स लिखने एक रब रेजिस्टर में की पॉइंट्स लिखने और फेयर रेजिस्टर में जो सवाल होगा वो यही होगा मैंने लिखा है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स ये सवाल आज का है और इसमें से आपको सिर्फ दो के बारे में आज मैंने बताया दो साइंटिस्ट के बारे में इन्हीं दोनों के बारे में आपने लिख के देना है इंशाल्लाह तो फेयर रजिस्टर में फेयर का होगा रफ रजिस्टर में की पॉइंट्स होंगे दोनों रजिस्टर आपके लिए है मैं ये दोनों रजिस्टर जो है मुझे देखने हैं फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह जब हमारी ऑन टाइम अच्छा जी तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।